घरों के नाम पर मात्र झोपड़ियां, गली व शौचालयों की तो बात ही बहुत दूर की है। यही निशानी है हिसार जिले के गांव कुलाणा, जो हमारे नज़दीक का है उनकी। इनकी बस्ती का संपर्क गांव से कटा हुआ है। इनकी बस्ती में चुनावों को छोड़कर कोई अधिकारी या नेतागण कभी नहीं आते। आपकी बस्ती के बारे में बताइए, हालत क्या है आपकी बस्ती का? बस्ती के बारे में ये है कि 40 साल हो गए, गली कच्ची है, कोई गली नहीं बनी। तुम्हारे गंदगी बहुत हो रही है हमारी बस्ती के अंदर जी, वो तो कोई हालत नहीं है हमारी, वैसी बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारा। कोई संभालता नहीं अधिकारी यहाँ के आगे? नहीं जी, कोई नहीं संभालता। MP MLA को वोट देते आए जी, हमारी कोई संभाल नहीं करता। इस समुदाय के युवा सुबह होते ही अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। महिलाएं व बच्चे कूड़ा करकट व कबाड़ इकट्ठा करने के लिए निकल जाते हैं। क्या काम करते हैं आप लोग? काम हमारा ये है, बच्चे तो हमारे कागज कबाड़ का काम करते हैं, गांव गांव में जाते हैं चुगने, शहरों में गलियों में। हमारे जो नौजवान है जूती काटते हैं लोगों की, फटी पुराने गांव में गलियों में शहरों में घूम फिर के। और जो हमारे बुजुर्ग आदमी है वो सिंगी का काम करते हैं। सिंगी का ऐसे काम है कहीं चोट लग जाए, दर्द हो, उसमें उसको लगाते हैं, फायदा आ जाता है। ये क्या काम करते हैं आप लोग सारे? आप जी क्या काम करते हैं? कागज चुगते हैं, वो पेट भरते हैं। तो जितनी महिलाएं सारी कागज चुगने जाते हैं? कागज चुगने जाते हैं जी। आपका काम क्या? काम बताओ क्या काम? काम हम जी सिंगी लगाने का काम करते हैं। किसी के गोड्डे पे चोट लग जावे, कमर पे चोट लग जावे, वो दर्द के ऊपर खराब खून होता है वो निकाल देते हैं, उसके फायदा होता है। और बकायदा किसी के नहीं भी होता है, ऐसे भगवान भी नहीं है हमें भी जरूरी फायदा हो। किसी के फायदा हो जाता है, किसी के नहीं भी होता, ऐसा है जी। तो गुजारा करते सिंगी लगा के हम। इस बस्ती की महिलाएं व बच्चे कागज व कबाड़ इकट्ठा कर दूसरों की गलियां तो साफ कर देते हैं, लेकिन इनकी गली को कौन साफ करे? बस्ती के बुजुर्ग सिंगी लगाकर लोगों का दर्द तो दूर कर देते हैं, लेकिन इनका दर्द कौन दूर करे? इस कुचबंद समुदाय के युवा लोग जूतों को पॉलिश कर चमका देते हैं, वे टूटे हुए जूते व चप्पलों को ठीक कर देते हैं, लेकिन इनकी गलियों को कौन ठीक करे? ये भी देश के नागरिक हैं, इन्हें भी आधारभूत सुविधाएं चाहिए। मैं स्थानीय अधिकारियों से कहूंगा कि वो इनकी समस्याओं को दूर करें, ताकि ये भी आम धारा में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। मैं सत्यवान वर्मा, उकलाणा हरियाणा से, इंडिया अनहर्ड के लिए।